इस शुक्रवार की सुबह निफ्टी में और गिरावट नजर आ सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स अनुसार यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या यूएसए इसराइल को सपोर्ट करेगा ईरान के ऑयल असेट्स पर हमला करने के लिए, वो भी ईरान के रिसेंट मिसाइल अटैक के जवाब में। सख्ती से कहे तो जंग की बातें काफी खौफनाक होती है। ज्ञान मंत्र यही कहता है कि सावधानी बरतना जरूरी निफ्टी और उसके स्टॉक्स पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 15,243 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,914 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज के व्यापार में सेंटिमेंट डगमगाने का और रिस्की रहने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स अभी भी ओवरबॉट कंडीशन जताते हुए। ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की न्यूनतम ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 13.17 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी डगमगा सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहे हैं, जहां पे लेबनान में कैजुअलिटीज बढ़ते जा रहे हैं इसराइल के ऑनस्लॉट की वजह से। रातों रात WTI कच्चे तेल के दाम $73 प्रति बैरल पर यानी कि 4% ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले वन मंथ का सर्वोच्च स्तर है। जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा कि वे दावे से तो ये नहीं कह सकते कि इसराइल ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी संभ्रम परिस्थिति में रह सकता है, क्योंकि नियर टर्म डायरेक्शन सबसे अहम इवेंट पर रहेगा, जो कि है आज आने वाले US नॉन फार्म पेरोल आंकड़े। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,250, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,801 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,601 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,600 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,845, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 51,301 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,701 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 51,300 से 52,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। कल के व्यापार में निफ्टी में काफी पैनिक अटैक देखने को मिला, जहां पे दलाल स्ट्रीट पर सेंटिमेंट काफी वल्नरेबल थी, जहां पे मिडिल ईस्ट से खराब खबरें आ रही थी। बेयर्स इस बात का भी फायदा उठाते नजर आए कि फेडरल रिजर्व के नेक्स्ट रेट कट डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। बजिंग स्टॉक्स में कल के व्यापार में ITD सीमेंटेशन 20% ऊपर बढ़ा, जहां पे अपर सर्किट देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है जिसमें वे मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में बांधेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की अंदाजा वैल्यू ₹1,937 करोड़ की है, जिसमें टैक्स और ड्यूटीज इंक्लूडेड है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,478, प्रीमियम प्लस 228, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और इसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और इसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में JSW स्टील, MGL, जिंदाल स्टील, ग्रैन्यूल्स, लालपैथ लैब्स। शॉर्ट कवरिंग में पेट्रोनेट, मैरिको, टाटा स्टील, कोलपाल, बलरामपुर चीनी। शॉर्ट बिल्डअप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डाबर, GMR इंफ्रा, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में BPCL, IOC, हिंदुस्तान कॉपर, एक्साइड, अतुल इंडस्ट्रीज। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, बीसॉफ्ट, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.